डार्क साइड मेरे मालिक, मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं, इसलिए मैं जल्द से जल्द पृथ्वी पे निकल जाऊँगा और मैं आपके दुश्मनों को एक एक करके ख़त्म कर दूँगा। वैसे आपको पृथ्वी पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अकेले ही उन सब सुपर हीरोज़ को संभाल लूँगा। सुपरमैन, मैंने तुम पे पहले भी भरोसा किया था, लेकिन तुम अपने आप से ही हार कर वापस चले गए, इसलिए मैंने इस बार तुम्हें कुछ नई पावर्स दी हैं। जाओ और जाके उन अवेंजर्स को और जस्टिस लीग के सुपर हीरोज़ को ख़त्म कर दो, नहीं तो हम उनका अंत करेंगे आके। लेकिन मैं तुम पे पूरी उम्मीद करता हूँ कि तुम उन सबको ख़त्म कर दोगे, क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। अब जाओ धरती पर और सारे के सारे एवेंजर्स और जितने भी सुपर हीरोज हैं उन सबको खत्म कर डालो, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। मुझे पृथ्वी जल्द से जल्द पहुंचना होगा, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। इस बार मैं अपने मालिक डार्क साइड को और निराश नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे इस बार एक और मौका दिया है और मैं इस बार पृथ्वी पे जाके सारे के सारे एवेंजर्स को और उस सुपरमैन को भी ख़त्म कर दूंगा। मेरे हिसाब से मैं पृथ्वी के आसपास ही हूँ, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। मुझे लॉस सेंटोस शहर में जाकर वहाँ के मासूम लोगों को एक एक करके खत्म करना होगा, उसके बाद मैं सारे एवेंजर्स को भी खत्म कर दूंगा। सुपरमैन, मैं पृथ्वी पर वापस आ रहा हूँ। तो यही है लॉस सैंटोस और यहीं पर रहते हैं वो सारे के सारे सुपर हीरोज। मुझे जल्द से जल्द अपना काम करना होगा। कहाँ पर हो एवेंजर्स? बाहर निकलो और मुझसे फाइट करो। देखो यहाँ पर इविल सुपरमैन आया है, तो ये रहे सबके सब इंसान जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। तुम सब के सब मतलब ही हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। तुम सब के सब मतलब से एक दूसरे की मदद करते हो। यहाँ किसी को जीने का हक नहीं है, तुम सब के सब यहाँ फ्री की सांसें ले रहे हो। तुम सब इंसान बेकार हो, तुमने इस धरती का क्या हाल किया है और अब तुम पूरे ब्रह्मांड को अपनी गंदगी से गंदा कर रहे हो। तुम सब इंसानों का काम है इविल शक्तियों की गुलामी करना, लेकिन तुम यहाँ आजाद घूम रहे हो। तुम्हें नहीं पता तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल लोग इस दुनिया में घूम रहे हैं और तुम सब उन सबकी गुलामी करोगे, नहीं तो तुम सब जान से मार दिए जाओगे। इंसानों बुलाओ अब अपने रखवालों को। कहाँ है ये एवेंजर्स? सुपरमैन कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे इंसानों को इस धरती को तबाह कर रहा हूँ, आओ आके लड़ो मुझसे। इस बार मैं तुम सबको अकेले ही देख लूंगा और एक एक को जान से मार दूंगा। अरे बाप रे गाइस, बहुत टाइम हो गया मुझे लेटे लेटे। मेरे हिसाब से अब मुझे उठ जाना चाहिए। और फ्रैंकलिन भैया भी तो गुस्सा हो गए होंगे, क्योंकि कल रात में पार्टी में आया था टोनी भैया के घर पर और काफ़ी थक गया था, तो उन्हीं के रूम मरा के उन्हीं के बेड पर सो गया था। लेकिन दोस्तों मज़ा बड़ा आता है। डॉक्टर स्ट्रेंज भैया कहाँ पर हैं और बाकी के एवेंजर्स कहाँ पर हैं? अरे बाप रे, टोनी भैया का घर कैसा है? मैं ठीक से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। एक काम करते हैं गाइस, जल्दी से। अरे बाप रे, एक मिनट, ये सारे के सारे एवेंजर्स क्या कर रहे हैं? वैसे ये सारे एवेंजर्स नहीं है, यहाँ हल्क भैया, थॉर भैया और आयरन मैन भैया हैं, लेकिन कुछ तो शायद गड़बड़ चल रही है। मेरे हिसाब से मुझे इन लोगों की बात सुननी चाहिए, ये क्या बात कर रहे हैं? अरे थॉर भैया, आयरन मैन भैया, कैसे हो? रात तो पार्टी में मजा ही आ गया था, डॉक्टर स्ट्रेंज भैया ने कैसे लुंगी डांस किया था। सुनसान बच्चे, मेरे हिसाब से तुम अभी चुप रहो, ये मजाक करने का समय नहीं है। तुम्हें याद है इविल सुपरमैन इस दुनिया पर आया था वापस, अब वो वापस आ चुका है और उसने हम सब एवेंजर्स की बैंड बजा दी थी, यहाँ तक कि हम सब एवेंजर्स को उसने ऑलमोस्ट चांद से ही मार दिया था। वो तो तुमने हमारी काफ़ी मदद की थी और सुपरमैन को हमारे लिए मदद करने के लिए बुला लिया था, और सुपरमैन ने ही इविल सुपरमैन को मारा था। लेकिन इस बार इविल सुपरमैन वापस आ चुका है और हमारे हिसाब से इस बार वो काफ़ी पावरफुल हो गया है और हमें फिर से सुपरमैन की मदद चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी हमें खुद अपने हिसाब से इविल सुपरमैन से फाइट करनी होगी, इसलिए हम एवेंजर्स यहाँ पर सोच रहे हैं हम किस तरह से इविल सुपरमैन से फाइट कर सकेंगे और किस तरह से हम उसको रोक सकेंगे। अरे तो आप इतना डर क्यों रहे हैं? इविल सुपरमैन भैया को तो हमारे जो रियल सुपरमैन भैया है उन्होंने हरा दिया था, और अब तो आप इतने ज्यादा खतरनाक एवेंजर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, फिलहाल आप उनसे फाइट करो और उनको हरा दो। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे हिसाब से हम सुपरमैन को किसी हद तक रोक सकते हैं, हम उसे जान से नहीं मार सकते या फिर हम उसको हरा नहीं सकते। हमें रियल सुपरमैन चाहिए या फिर उससे कोई पावरफुल जो उसको हरा सके। अरे गाइस तो फिर, अरे एक मिनट दोस्तों, मैं तो ये बोल रहा हूँ मेरे हिसाब
आपसे अगर ऐसी बात है तो हम रियल सुपरमैन भैया को ही बुला लेते हैं और बैंड बजवा देते हैं उनकी। लेकिन हमें नहीं पता रियल सुपरमैन कहाँ पर है, वो यहाँ पर है भी या नहीं। हाँ ये बात तो बिल्कुल। एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, ये मौसम इतना गंदा कैसे हो गया? जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है दोस्तों। रियल सुपरमैन भैया बहुत बुरी तरह से तबाही मचा रहे हैं शायद इस अर्थ पे, उसी की वजह से अर्थ का एटमोसफियर बिगड़ रहा है और वेदर भी इतनी बुरी तरह से हो रहा है। अरे बाप रे दोस्तों, मेरे हिसाब से बात कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, अब मुझे भी जाके देखना होगा असल में ये रियल सुपरमैन भैया इस बार क्या नई परेशानी लेके आए हैं। लेकिन एक मिनट, रियल सुपरमैन भैया भी तो नहीं है, तो अवेंजर समय आ चुका है अपनी धरती को बचाने का, वो भी उस रियल सुपरमैन से। तो चलो फिलहाल जब तक रियल सुपरमैन भैया नहीं है या फिर कोई और तगड़ा सुपर हीरो नहीं है, हम लोग ही जाएंगे और जाके उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं। अच्छे सिंसान तुम सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर अभी सारे अवेंजर्स अवेलेबल नहीं है। जब से एंड गेम हुई है उसके बाद कोई भी अवेंजर अपनी ड्यूटी सही से कर ही नहीं रहा है। लेकिन हमें दुनिया को बचाना है और हमारी ये ड्यूटी है, तो एक काम करते हैं, हम लोग अभी चार हैं। और सिंसान तुम एक काम करो, मेरा ब्लू स्टील वाला आयरन मैन का सूट पहन लो, और मैं तो अभी मार्क 85 में हूँ ही। थॉर और हल्क तुम भी मेरे साथ चलो। फिलहाल सबसे पहले मैं चाहता हूँ, मेरे पीछे तुम लोग आओ और हमें उस रियल सुपरमैन को किसी भी हालत में रोकना ही होगा। तो ठीक है जावेस, मेरी पावर्स एक्टिवेट कर दो, मैं सीधा यहाँ से निकलता हूँ। बच्चे सिंसान अपना ध्यान रखना, और सुनो अगर तुम में से कोई ज़्यादा घायल हो जाए लड़ते लड़ते तो वहीं से वापस चले जाना, समझे? बाकी मैं देख लूँगा, मेरा नाम भी टोनी स्टार्क है, इस बार इसी रियल सुपरमैन को मैं नहीं छोड़ने वाला। जल्द से जल्द निकलता हूँ। सिंचन कहाँ पर हो बच्चे? जी आयरन मैन भैया, बस मैं भी आपके पीछे आ ही रहा हूँ। तो ठीक है थॉर भैया और हल्क भैया, आ जाना। जारविस भैया जल्दी से मुझे मेरा ब्लू आयरन मैन का स्टील वाला सूट पहना दो। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि हमें अपनी दुनिया को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है, इसलिए हमें रियल सुपरमैन भैया को हराना ही होगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं और जाके रियल सुपरमैन भैया को टिशुम टिशुम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों रियल सुपरमैन भैया कोई साधारण विलन नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और मैंने तो सुना है उनके जो मालिक हैं डार्क साइड, वो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन फिलहाल अभी रियल सुपरमैन भैया हैं यहाँ पर जो हमारे विलन है, तो हम उन्हीं से फाइट करेंगे। लेकिन ये रियल सुपरमैन भैया है कहाँ दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा। रियल सुपरमैन भैया, अरे बाप रे, तो तुम सब टीम के डिब्बे आए हो मुझसे लड़ने? मेरी बात मानो, मेरे पास समय नहीं है तुम लोगों से लड़ने का, यहाँ से हट जाओ। अरे वाह आयरन मैन भैया, आपने तो अपने जेरिको मिसाइल्स को अपडेट करवा लिया, चलो इस रियल सुपरमैन की बैंड बजा देते हैं। अरे बाप रे, चल गया, अरे बाप रे, अरे बाप रे जार्विस, मेरा सूट काफी ज्यादा डिफीट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तुझे हरा के रहूंगा रियल सुपरमैन। अरे यार ये हल्क और थॉर कहाँ पर है? जल्दी आओ, हमें बैकअप चाहिए गाइस, यहाँ हमें ऐसे पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सुपरमैन इस बार तू नहीं बचेगा। रियल सुपरमैन भैया मैं आपको खत्म कर रहा हूं, बाप रे पीट दिया मुझे, अरे बाप रे। हाँ सिंचन तू फिर से आ गया, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मुझे सुपरमैन से फाइट करनी है, बताओ कहाँ पर है सुपरमैन? अरे बाप रे टोनी भैया, ये तो मुझे बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं, बचा। अरे बाप रे गाइस, मैं तो चल रहा हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बोलो कि अवेंजर्स ही जीतेंगे, इवन सुपरमैन भैया मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, चला गया। टोनी तुम चिंता मत करो, हम आ चुके हैं, गॉड की कसम, इस रियल सुपरमैन को तो हम खुद अकेले ही देख लेंगे। मैं भी आ चुका हूँ, हल्क भी आ गया है, इस बार तुझे खत्म कर देंगे रियल सुपरमैन, तू अकेला है यहाँ पर और हम इतने सारे, हम सारे मिलकर तुझे मारेंगे। तुम सब मेरा समय बर्बाद कर रहे हो इंसानों, मुझे सुपरमैन से लड़ना है, हटो यहाँ से। थॉर इस गार्डियन, मैं तुझे जान से मार दूंगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, यहाँ से हटो, बताओ कहाँ पर है सुपरमैन, मुझे उससे फाइट करनी है। तुम सब से मुझे नहीं लड़ना समझे, तुम सब मुझे नहीं मार सकते, मैं डार्क साइड का गुलाम हूँ, तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। तुझे हम खत्म कर देंगे इविल सुपरमैन भैया, अरे वाह दोस्तों बड़ा ही मजा आ रहा है, इस बार तो मेरा ब्लू आयरन मैन स्टील वाला सूट भी बड़ा कमाल का है। हां बच्चे मैं भी अपने मार्क 85 का कमाल दिखा रहा हूँ, इस रियल सुपरमैन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। थॉर और हल्क लगे रहो, हम इसे हरा के छोड़ेंगे, तुझे हम भगा के छोड़ेंगे, इस बार हमें रियल सुपरमैन की भी जरूरत नहीं, हम अकेले ही तुझे देख लेंगे। अरे वाह गाइस, बहुत बुरी तरह से पीट रहे हो, उसको इसी तरह से मारो। हां भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं अवेंजर्स। हम तुझे बताते हैं कि गार्डियन से पंगा लेने का क्या अंत होता है, रियल सुपरमैन हमारा नाम थॉर है, हमारी बिजली चेन। अरे बाप रे, तो हमें पीट रहा है, हल्क कहाँ हो मूर्ख, हमारी मदद करो। टोनी मैं फंस गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। अरे पागल, तुमसे मदद वो मांग रहा है, मैं नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन फिलहाल तुम जल्दी से आओ और यहाँ पर इसकी बैंड बजाओ। हाँ मैं बजा तो रहा हूँ, हल्क तुझे छोड़ेगा नहीं रियल सुपरमैन। तुम सब लोग मुझे मजबूर कर रहे हो मेरे मालिक डार्क साइड को बुलाने पर, अगर वो इस दुनिया में आए तो वो एक बार में इस दुनिया को खत्म कर देंगे। रियल सुपरमैन हम तुमसे नहीं डरते,
करते ना ही डार्क साइड से। तो गाइस देखो अब अपना स्पेशल मूव मारता हूँ, ये ले देखा दोस्तों कैसे मारा, ये ले भाई दोस्तों मजा ही आ गया। मेरा ब्लू आयरन मैन का शूट तो बड़ा ही कमाल का है। आयरन मैन भैया अब आप भी कुछ कमाल दिखाओ। अरे वाह थोर भैया आप भी कमाल दिखा रहे हो। अरे बाप रे यार इस थोर ने मुझे गिरा दिया। अरे तुम लोग मुझे भी तो मारने दो इसी सुपरमैन को, हल्क बताएगा इसको हल्क स्मैश करके। तुम लोग मुझे खिलौना समझ रहे हो क्या जो मुझसे खेल रहे हो? गाइस इस बार तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इसी विल सुपरमैन भैया की बैंड बजाने में। इविल सुपरमैन, अरे बाप रे आयरन मैन भैया आप तो पिट रहे हो। अरे बाप रे आयरन मैन भैया को बचाओ कोई जाके, एक मिनट मैं बताता हूँ। अरे बाप रे हेल्प भैया मारो इसको। हाँ मैं मारता हूँ। अरे बाप रे थोर तुम अपनी बिजली बीच में मत लो, तुम्हारी बिजली की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। अवेंजर्स मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा रहा है। मुझे लगता है मुझे मेरे मालिक डार्क साइड को ही इस दुनिया में बुलाना होगा। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे सुपरमैन को हवाले कर दो, मैं तुम्हारी इस दुनिया को बख्श दूंगा, नहीं तो डार्क साइड खुद आएंगे और तुम्हारी इस दुनिया को खत्म कर देंगे। हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते, समझे? तुम सब डरोगे।